यार जब एक्नी हो जाती ना तब तो शायद आधा आधा घंटा देखती रहती लेकिन जब एक्नी नहीं होती फिर तो देखने का दिल ही नहीं करता ना मैं कहती हूँ वैसे ही हसीन लग रही हूँ मैं तो 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 <laughs> चारी चारी अच्छा अभी सरदार साहब ने भी काफी देर कोकोनट तेल बेचा है तो तुसी, तुसी खोपरे का तेल पाया तो तेल ने हथ बन जन क्या मैं इस खोपरी से कम नहीं करना अच्छा तो निमरा लोगों की अच्छाइयाँ याद रह जाती हैं ज्यादा या लोगों का तोड़ा हुआ दिल अगर आज तक मुस्कुरा रही हो तो इससे क्या अंदाजा होता है इससे दो अंदाजे होते हैं एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र है हाँ। अल्लाह का बड़ा बड़ा करम है तो कि आपके होटों पर मुस्कुराहट है और दूसरी बात ये कि आप जिंदगी में भी बड़ी अच्छी अदा कर रहे हैं मुझे लगता है कि आपके पुराने दोस्तों के अलावा शायद आपको कोई नहीं जान <smart> तो तो बात क्या याद रखती हैं ज्यादा यार आ, रेशो देखती हूँ क्या किस चीज़ का ज्यादा है मतलब दुखों का कि फिर उस दुखों में भी ये देखती हूँ कि वो दुख अपने पैदा किए हुए थे कि वो अजमायशों के थे अरे वाह तो अगर आजमाइशों के थे तो फिर उसमें अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह आपने मुझे चूज़ किया लेकिन अगर वो खुद के बनाए हुए थे

मैं सच बोल बैठा झूठों के बीच में झूठों के बीच में मैं सच, सच बोल, बोल बैठा वो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा यानी बहुत ही खूबसूरत यानी कि ये ये जो वाक्य है ये खेवड़ा का है ये गहरी बात को भी उसने मजाक में बना दिया यही लड़के क्यों नहीं समझते अच्छा अच्छा मुझे मेरा एक और आपसे ये सवाल है कि आपकी जिंदगी में एक आप बड़ी जगह उस एक्सीडेंट को डिस्कस कर चुकी हैं आपने बहुत जगह वो बात की है लेकिन वो एक ऐसा दिल खराश हादसा था क्या बदला हुआ यार जिंदगी में उस दिल खराश वाक्य से आपने क्या चुना मैंने तो बस ये चुना कि मेरे अपने कौन है उस वक्त नो जब मोहताजी आपके ज़िंदगी में आती है ना कि एक मोहताजी होती है दिमागी आपको उसमें आप डॉक्टर से बात कर लेते हैं एक होती है कि आपको फाइनेंशियली मोहताजी आप किसी से पैसे मांग लेते हैं सबसे बुरी मोहताजी होती है जिसमानी जब आपको अपनी एक एक इंच के लिए भी किसी को आवाज़ दे के ये बोलना हो कि मुझे बाथरूम आ रहा है या मुझे कुछ भूख लग रही है मुझे और कुछ सुनने वाला ना हो उस टाइम पे ये नहीं कि उनकी कोई गलती है कि सुनने वाला नहीं है वो नहीं है रसाई में दुनिया में सबके अपने काम है कहीं इधर कोई उधर कोई लेकिन ये मुझे पता है कि जब नहीं हिल पाती थी ना कि बाथरूम जाना है और नहीं कुछ कर पाती थी और ऊपर देखती थी अल्लाह की या अल्लाह किधर मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त लेकिन अब जरा अल्लाह का शुक्र जरा देखो ना जरा खड़ी होके जरा सबको दिखाओ ना जरा ये अच्छा इसी बात से इसी बात से ऐसे ही बात से बात निकल रही है तो एक सवाल पूछूंगा टांग मेरी भी टूटी हुई है मेरी राइट एंकल मुझे भी बड़ा सीरियस इशू रहा है जिंदगी में दिल टूटने का ज्यादा दर्द हुआ या टांग टांग की तो दवाइयाँ थी और दिल, है 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 है। <स्था> और दिल <स्था> अभी तक तो नहीं मिल सकी दवाई वो वाली वो जख्म अभी तक है नहीं आ, लगता है कि जैसे निशानात रह गए कहीं ना कहीं कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जख्म अभी भरता ही है कुछ साल लेके तो कोई और नाखून लेके आ जाता है मैं कहती हूँ कि लोग ना गलती से ना ये जो रीबाउंड रीबाउंड जो होते हैं कांधा के एक निकला नहीं तो दूसरे कांधा और हाँ कांधा का कहा का, वो एक कांधा तो कांधा ज्यादा खतरनाक होता है या आंसू देने वाला उस वक्त तो बड़ा मजा आ रहा होता है ना कि कांधा मिल रहा है तो बड़ा नरम भी है बड़ा मजा नहीं भी सब कुछ मिल रहा लाइक अमन है जिंदगी में लेकिन सबसे खतरनाक ही वो यही होता है पीछे वाला तो दे गया ना लेकिन इसका जो होता है ना जब जब सबसे ज्यादा तो आप जो दूसरे कंधे पे रिलाई करते हो वो सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ हमेशा मिसफायर हमेशा मिसफायर हुआ है तो कभी भी मैं आप बच्चियों को यही समझाऊंगी जिंदगी में तकलीफें ऊंच नीच हमेशा होती है लेकिन कभी भी ये मत समझना है कि अगर एक धोखा दे के गया तो दूसरा अच्छा ही निकलेगा क्योंकि वो सहारा दे रहा है अच्छा ये तो, तो हो गई ये तो हो गई ना हमारी बच्चियाँ बच्चों ने क्या बिगाड़ा नहीं। नहीं। उनको भी कोई मशवरा दे ये, ये वही बच्चे हैं ना अच्छा। जिनकी बात रही बातारी